प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। प्रभु जी, जब आप इस पवित्र रोटी में हमारे सामने हमारे परिवार के सम्मुख उपस्थित हैं, तेरी स्तुति हो, वंदना हो। प्रभु ये समय हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए प्रभु जी अनुग्रह एवं आशीष का समय बने। प्रभु जी, जिस तरह तू चलते समय अनेक लोगों को उनकी इच्छानुसार चंगाइयां एवं अन्य अनुग्रह एवं वरदान प्रदान किए थे, ठीक उसी प्रकार तेरे सामने प्रभु हम हमारे चादर बिछाकर तेरा स्वागत करते हैं। हमें भी तेरी साया से अनुग्रह प्रदान कर। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमी पर को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हो। हम सभी ने राजा सुलेमान के विषय में सुना है। राजा सुलेमान एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं और उस मंदिर के उद्घाटन के पूर्व प्रार्थना करते हैं प्रभु से। वह इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यदि कोई मनुष्य पापी होकर तेरे पास आए और इस मंदिर में प्रार्थना करे, तेरी ओर पूरी तरह अभिमुख होकर पूरे मन से पूरी शक्ति से तुझसे क्षमा मांगे तो प्रभु तू उस पर दया कर और उसे पाप क्षमा कर। Yes, Lord. प्यारे भाइयों बहनों, आज इस दिव्य रोटी के समक्ष जो कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं, आज प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे पापों को भुला दूंगा, मैं तेरे पापों को मिटा दूंगा, मैं तेरे पापों को दूर कर दूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम देखें संत योहन का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 से 9। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। Yes, और आगे संत लूकास कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु ने हमें यह मौका दिया है कि हम उस सत्य को ग्रहण करें और अपने पापों को स्वीकार करें। उसने हमें पापों के जालों से छुड़ाकर अपने पास ले आया है। उसने शैतान के हर पंजे से आपको बचाया है। Yes, Lord. तो क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, तो क्यों ना हम बार बार गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। नाम है और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हाँ प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। हाँ प्रभु यीशु क्योंकि मैंने तुझसे क्षमा पाई है, शिफा पाई है। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु हमने शांति पाई है, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मोह शाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मोह शाप से। जिस प्रकार परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाता है, हमारी भलाई के लिए योजनाएं बनाता है, उसी प्रकार मत भूलिए शैतान उसे हर पल तोड़ने की कोशिश करता है, विफल बनाने की कोशिश करता है। जिस प्रकार राजा दाऊद फिलिस्ती से कहता है, मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। प्यारे भाइयों बहनों, उस शैतान से लड़ने के लिए आज हम भी कहें कि हम उसी यीशु के नाम पर लड़ने आए हैं, उसके हर एक प्रपंच को तोड़ने आए हैं, उसके हर एक कामों को विफल करने आए हैं। प्यारे प्रभु यीशु आइए और फिर से गाइए हालेलुया हालेलुया। शांति और सलाम लाए हैं के नाम, शांति शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शांति शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शांति का राजा यीशु जो हमारे लिए शांति लेकर आया, वही शांति का पैगाम देते हैं, वही शांति का पैगाम जीवन में लाते हैं। हाँ प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तो गाओ, 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 हालेलुया। संत लुकस कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। वही शांति के सुसमाचार को सुनने के लिए अब हम तैयार रहें। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज शनिवार माँ मरियम को समर्पित दिन है। आज का सुसमाचार संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पर संख्या 27 और 28 से लिया गया है। और इसमें एक स्त्री प्रफुल्लित होकर आनंद से भरते हुए प्रभु को संबोधित करते हुए कहती है, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यदि हम माँ मरियम के जीवन में झांक कर देखें तो हम पाते हैं कि माँ मरियम पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से प्रभु का अनुसरण करती है। जब पहली बार गैब्रिएल दूत माँ मरियम के पास आता है, उन्हें प्रणाम करते हुए संबोधित करते हुए कहता है कि आप गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी। और माँ मरियम महादूत गैब्रिएल से कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो, आपने जो कहा वो मुझ में पूरा हो। और वह पवित्र आत्मा से भर जाती है। और माँ मरियम के जीवन में हम पाते हैं कि माँ मरियम पग पग पर प्रभु के साथ देती है, निरंतर प्रभु के साथ रहती है। वह अपने जीवन में प्रभु की योजनाओं को समझने का प्रयास करती है। वह कभी भी प्रभु के जीवन में या उनके कार्यकलापों में बाधा नहीं बनती, किंतु प्रभु का साथ देती है। और जब माँ मरियम ने प्रभु के जन्म का संदेश सुना, उनके जीवन में हमेशा सुख के साथ साथ दुख भी रहा। चाहे तो बेतलहम की यात्रा हो, बेतलहम के गांव में घर घर घूमकर संत योसेफ के साथ प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए एक स्थान ढूंढ रहे थे, किंतु उन्हें वह भी नसीब नहीं हुआ। और जो स्थान उन्हें नसीब हुआ वो भी एक गौशाले में और एक चरनी में प्रभु को लिटा देते हैं। और जैसे ही बालक यीशु का जन्म होता है, फिर से गैब्रिएल दूत माँ मरियम या संत योसेफ को स्वप्न में आकर कहता है कि बालक और उसकी माँ को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। और इसी अवस्था में संत योसेफ माँ मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र देश जाते हैं। और जब राजा हेरोद मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर से स्वर्गदूत संत योसेफ को कहते हैं बालक को और उसकी माँ को लेकर वापस अपनी नगरी चले जाइए। और संत योसेफ वापस माँ मरियम और बालक यीशु को लेकर नाजरेत आते हैं और वहीं पर अपना पड़ाव डालते हैं। इसमें हम पाते हैं कि भला ही उन्हें अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, जगह जगह पर भटकना पड़ा, किंतु वे कभी भी वह कुड़कुड़ाए नहीं, किंतु प्रभु की योजनाओं को समझने का प्रयास किया। हम पाते हैं कि माँ मरियम बेतलहम से लेकर कलवारी के क्रूस तक प्रभु के साथ रहती है। और इसीलिए जब प्रभु क्रूस पर लटक रहे थे, अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना से कहते हैं, देखिए यह आपकी माता है। और माँ मरियम से कहते हैं, भद्रे यह आपका पुत्र है। तो हम पाते हैं किस प्रकार माँ मरियम प्रभु का वचन सुनती है और उसका अनुसरण करती है। सुख हो दुख हो, वो निरंतर प्रभु का अनुसरण करती रहती है। और इसलिए सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में प्रभु का वचन कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। और हम पाते हैं कि माँ मरियम निरंतर प्रभु की इच्छा को समझने का प्रयास करती है और प्रभु की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करती है। आगे सन्मति के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मा त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और हम माँ मरियम के जीवन में पाते हैं कि माँ मरियम निरंतर अपने जीवन में प्रभु का अनुसरण करती रहती है। वह अपने जीवन के क्रूस से भागती नहीं, किंतु उन्हें स्वीकार करती है। अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को समझने का प्रयास करती है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे योजना है, तुम्हारे हित की योजनाएं नहीं, किंतु तुम्हारे आशामय भविष्य की योजना है। प्रिय भाई बहनों, माँ मरियम का जीवन हमारे बहुत सुंदर संदेश देता है कि हम हमारे जीवन में प्रभु की योजनाओं को समझें, प्रभु के वचन जो हम रोज पढ़ते हैं उनको हमारे जीवन में उतारें और उनके अनुसार प्रभु का अनुसरण करें। आमीन। देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ईश्वर के पुत्र जीवित ईसा मसीह नाजरी, तूने ही कहा है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हाँ प्रभु, पुनरुत्थान और जीवन तू ही है, तू ही वह प्रभु है जो लाजरूस को मर चुका था, 4 दिन से कब्र के अंदर था, उसके लिए एक शब्द कहा, लाजरूस बाहर निकल आओ, और वह कब्र से बाहर निकल कर आया। आमीन। तू वही प्रभु है जो नाइन नगर का युवक जो अर्थी में था, प्रभु अपने माँ का इकलौता था, तूने उसका अर्थी का स्पर्श मात्र किया और वह उठ बैठा। वह जरूस की बेटी जो मर चुकी थी, प्रभु तूने उसके लिए एक ही शब्द कहा, लतीथा कुम, और वह उठ बैठी। हाँ प्यारे प्रभु, तू वही प्रभु है जो इस रोटी के रूप में अपने आप को परिवर्तित करते हुए हमको, हम मानवों को प्रभु नया जीवन देने के लिए आया है। करुणा सागर प्रभु, तूने ही कहा है चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। yes, Lord. मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, yes, Lord. बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। आमीन। प्रभु तेरे पावन सानिध्य में आकर तेरे नाम की दुहाई देते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं दयाल सिंह मसराम को, उसके सभी शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दे, नया जीवन दे, और प्रभु सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा दीजिए। परिवार के सभी प्रकार के रोगों, परिवार के सभी सदस्यों को सभी प्रकार के रोगों से चंगाई दीजिए, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु कैथोलिक विश्वास में आगे बढ़ने के लिए उन्हें कृपा दीजिए। करुणा सागर जीवित ईसा, हम कविता देसा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसकी माँ को सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दीजिए, जो इस समय बिस्तर में है। प्यारे प्रभु, उसके दुख, उसके दर्द, कष्ट और पीड़ा को तू जानता है। प्रभु एलिका मंजुला को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, 12 वर्ष की बेटी है प्रभु, वह तेरी बेटी है, और इस समय बॉर्न ट्यूमर से ग्रसित है प्रभु जी, तू उसके दर्द को, उसके कष्ट और उस पीड़ा को जानता है, और तू ही वह उस रोग से, उसके कष्ट और पीड़ा से उसे चंगाई प्रदान कर सकता है। राज हरिपाल जो 10 वर्ष का बच्चा है प्रभु, जो बोलने में यहाँ समर्थ है, उसके मुंह के बंधनों को, उसके जीभ के बंधन को खोल दे प्रभु। और इसके सदर से उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गूंगे हैं। प्यारे प्रभु, तू एक शब्द कह दे, फेता कह के, और इनके सारे बंधन खुल जाएंगे, और तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थितियों कर स्तुति और आराधना करेंगे। झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हे करुणा सागर प्रभु, प्रवक्ता के ग्रंथ में तूने ही कहा है। प्यारे प्रभु जी, अध्याय 38 वचन संख्या 9 में, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाही ना बन, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। प्रभु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं आई वर्गीस को, जो जबलपुर से हैं प्रभु, और इस समय आईसीयू में है, सांस लेने में असमर्थ है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जेसिका जॉर्ज को प्रभु चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसे उपयुक्त जीवन साथी प्रदान कीजिए। गीता तिर्की को उसे उपयुक्त जीवन साथी प्रदान कीजिए और योग्यता के अनुसार नौकरी प्रदान कीजिए। उन सभी अविवाहित भाई बहनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो उम्र बढ़ने के कारण निराशा में है, दुख में है, अकेले जीवन से उदास बैठे हुए हैं। प्रभु जी, तू उनके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी बना कर रखा है। तूने कहा है मनुष्य के लिए अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। तूने बनाया है प्रभु। टोबिया और सारा के सदृश अविवाहित भाई बहनों को मिला दे, ताकि वे एक मन होकर, एक आत्मा होकर तेरी स्तुति कर सके। साथ ही साथ प्रभु, इस समय में इस संचार माध्यम के साथ तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तेरी ओर देखते हुए जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके सारे रोगों को, उनके सारे दर्द और कष्ट और पीड़ाओं को, उनके परिवार को प्रभु, परिवार की अशांति को, परिवार के दुख को, परिवार के दर्द को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। ये प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन सारे भाई बहनों को जो आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे वचनों की घोषणा करने में सहायता प्रदान करते हैं प्रभु जी, उन सभी को चढ़ाते हुए अब्बा पिता तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर दुआई देते हुए स्तुति करते हैं। झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। Blessings and peace in your mighty name, O Jesus. Healings, प्रभु इस वक्त, प्रभु तेरे सामने झुकने वाले हर एक दास दासी को प्रभु तेरे नाम पर प्रभु जी चंगाई प्रदान कर, तेरे नाम पर प्रभु वरदानों का भंडार से प्रभु जी उनकी प्रार्थना को सुन और कबूल कर प्रभु। इन योर माइटी नेम विद ऑल आवर फेथ वी आस्क, ओ